राजस्थान पटवार एग्जाम के लिए क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और एक पोस्ट के ऊपर कितने व्यक्ति बैठने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि 2015 की जो कट ऑफ है वो कितनी रही है और आपको हर एक टॉपिक वाइज बताया जाएगा कि कितने सवाल आएंगे और उनमें से कम सवाल सही करने होंगे, ठीक है, और आपको कम से कम कितना घंटे की तैयारी करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। देखिए, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 132,574 फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 135,991 फॉर्म फिल हुए हैं। फिर देखिए एमबीसी की तो 56,315 फॉर्म भरे गए हैं, ओबीसी के 611,179 फॉर्म भरे गए, यानी सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वो ओबीसी कैटेगरी में भरे गए हैं। फिर देखिए एससी के 214,000 है, एसटी के 198,000 है और शहरिया के 320 फॉर्म भरे गए हैं। सबसे बड़ी बात तो देखिए ईडब्ल्यूएस के भी 135,991 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो फॉर्मों की संख्या है, यानी कुल राजस्थान पटवार के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं वो है 13,49,321, यानी कि 13,49,321 फॉर्म भरे गए हैं। और हमारे पास देखिए पोस्टें कितनी है पटवार एग्जाम 2020 के अंदर, नॉन टीएसपी की 3637 पोस्टें हैं और टीएसपी एरिया की 570 है, कुल मिलाकर 4207 पोस्टें हैं। अगर हम इसके हिसाब से इन फॉर्मों को देखें, यानी एक पद के लिए कुल कितने बैठेंगे, देखिए 320 व्यक्ति एक पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे, ठीक है। यह कंपटीशन रहेगा जो कि काफ़ी हाई लेवल का कंपटीशन है। तो देखिए आप दब के तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, जो आपने आज तक पढ़ा है उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इसको कम से कम 15 घंटे एक दिन में आपको पढ़ना होगा, जो मैं आपको बताऊँगा कि किस टॉपिक को आप कितना पढ़े। तो चलिए आप देखते हैं 2015 की कट ऑफ। देखिए 2015 की कट ऑफ जो जनरल की कितनी रही थी वो हम देखेंगे, ओबीसी की कितनी, एससी एसटी की और नॉन डीएसपी की हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल की अगर हम बात करें तो ये है फीमेल की और ये मेल की कट ऑफ है, ठीक है। ये मेल की कट ऑफ है और ये फीमेल की है, 170 रही थी और मेल की जो है वो 106 में रही थी। ओबीसी की अगर बात करें फीमेल की तो 163 रही थी और मेल की 193 रही थी। एससी की बात करें तो फीमेल की 132 रही थी और मेल की 168 रही थी। एसटी की बात करें तो मेल की जो है वो 160 और फीमेल की 137 रही थी। अब देखिए टीएसपी की अगर हम बात करें तो जनरल की फीमेल की 135 रही थी और मेल की 174। इसी तरह से एससी 111, 141 और एसटी की 82 और 116 मेरिट रही थी। देखिए ये प्राप्तांक है, प्राप्तांक जो कितने में से है, देखिए 300 का जो एग्जाम हुआ था उसमें से ये प्राप्तांक दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए उस टाइम जो 2015 का एग्जाम था उसके अंदर दो एग्जाम हुए थे, परी और मेन, ठीक है। तो देखिए इस बार वो पैटर्न हटा दिया गया है, इस बार सिर्फ एक ही पेपर होगा। तो देखिए इसके अंदर जो टॉपिक है वो कुल टॉपिक आए इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर। देखिए इंडिया जीके के अंदर साइंस भी आएगी, करंट जीके भी आएगा और राजनीति, भूगोल जो भी है वो आएगा। राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का जो भी कल्चर है, भूगोल है, वो सारा आएगा और हिंदी और इंग्लिश के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के भी सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो बेस है वो किसका रहने वाला है, देखिए सबसे ज़्यादा जो सवाल किसके पूछे जाएंगे वो है रीजनिंग के। तो देखिए अगर आप रीजनिंग के 45% सही कर लेते हो, देखिए 38% इसके पूछे जाएंगे, इंडिया जीके के, राजस्थान जीके के 30, हिंदी इंग्लिश के 22, रीजनिंग के 45 और कंप्यूटर के 15, यानी कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे, 300 नंबर का होगा। और ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 रहेगी, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है और उसमें आप तुक्का बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है।
तो देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो इसका रहने वाला है, यानी रीजनिंग का। अगर आपकी रीजनिंग की पकड़ अच्छी है तो आप इसमें से 42% सही कर सकते हो, 42+ भी कह सकते हो, 42+% सही कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग को कम से कम आपको सुबह और शाम 4 घंटे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको कम से कम 4 घंटे टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसको 45 में से 42+ निकाल पाओगे। अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट इंडिया जीके, जिसके अंदर टॉपिक काफी ज्यादा है, करंट जीके भी है, साइंस भी है और इंडिया का कुछ जीके भी है, ठीक है, टॉपिक वाइज, तो इसके 38 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से कम आपको 25 का टारगेट रखना होगा, 38 सवालों में से 25 सवाल आपको सही करने होंगे, ठीक है। ये नहीं कि 38 में से 35 तो करना ही करना, ये नहीं करना, 38 में से कम आपको सही सवाल 25 तो करने होंगे, ठीक है। अब देखिए राजस्थान जीके की बात करें तो 30 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान जीके तो आप बार बार पढ़ते रहते हो हर एक एग्जाम के लिए। देखिए राजस्थान जीके 30 में से कम 23 सवाल आपको सही करने होंगे, ठीक है। देखिए हिंदी और इंग्लिश के 22 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 18 सवाल करने होंगे। कम से कम अगर आप इतने का टारगेट रखोगे कंप्यूटर के 15 में से 13, यानी देखिए अगर आप 150 में से 121 का टारगेट रखोगे तभी आप सक्सेस को प्राप्त कर पाओगे और आप राजस्थान पटवार में सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। देखिए अब इनकी टाइमिंग बता दूं मैं, अगर आप इंडिया जीके को कम से कम 4 घंटे का टाइम दे, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, देखिए इसके लिए कम से कम 3 घंटे, 1.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम को, ठीक है, और इसके लिए सिर्फ 2 घंटे और कंप्यूटर के लिए 2 घंटे। देखिए 4, 3, 7, 2, 9, 4, 13 और 2, 15, कम से कम आपको 24 घंटे के अंदर 15 घंटे अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो। देखिए ये नहीं कि आप 18 घंटे पढ़ते हो, 16 घंटे पढ़ते हो, ये मायने नहीं रखता। आपको सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ना है, जितना भी आप पढ़ो वो आपको दिमाग उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट आपका होना चाहिए। अगर आप 15 घंटे पढ़ पाते हो इन टॉपिक को तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, अगर आप इन टॉपिक में अच्छी पकड़ रखते हो तो, ठीक है। तो देखिए आपको कम से कम 121 का टारगेट रखना है, यानी 150 में से 121 का टारगेट रखना है। आपको रीजनिंग और इंडिया जीके पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सबसे बड़े टॉपिक यही है। अगर आसान की बात करें तो सबसे आसान टॉपिक जो है वो रीजनिंग का है। अगर आप रीजनिंग से संबंधित किसी भी तरह का सवाल या किसी भी टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल पर रीजनिंग से संबंधित सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया 121, यानी 150 में से 121 कुल पर्सन हमें सही करने का टारगेट रखना है, जिसके तहत हमारे 80% नंबर बनेंगे, ठीक है, यानी 242 नंबर कितने में से 300 में से। अगर हम यह स्कोर रखते हैं, अपने मन में ठान लेते हैं तो कम से कम हमारा स्कोर इसके नज़दीक ज़रूर पहुंचेगा और हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा दिन एग्जाम के नहीं बचे हैं, जनवरी के प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह में एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, करंट जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए और जो आपके पास नोट्स या बुक्स है उनको रिपीट करना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी नई चीज को उठाइए मत, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट निकालिए और जो भी आपके पास है सिर्फ उसी को ही बार बार पढ़िए, उसी चीज़ को रिपीट कीजिए, आप इसमें ज़रूर सफल हो पाओगे। मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक से संबंधित बुक का पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़िए ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।